प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का समय 27 मार्च को खत्म हो गया है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए 113 अभ्यर्थियों ने 153 नामांकन पत्र भरे हैं। इन 6 सीटों की चुनावी सरगर्मियों को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल मैदान में हैं। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का दौर खत्म हो गया है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए होने वाले चुनावों पर गौर करें तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, बालाघाट, मंडला और शहडोल में नामांकन दाखिल करने का दौर खत्म हो चुका है। यहाँ 27 मार्च तक कुल 153 नामांकन जमा किए गए। नाम वापसी की तारीख 30 मार्च है। इन 6 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुल नाथ का मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशियों ने 31 नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं। जबलपुर में बीजेपी ने इस बार आशीष दुबे को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने दिनेश यादव को टिकट दिया है। बसपा ने इस सीट पर राकेश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबलपुर में 22 उम्मीदवारों ने 33 नामांकन फॉर्म भरे हैं। सीधी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से कांग्रेस ने ओबीसी नेता कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है। अजय प्रताप सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी हैं। सीधी में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक 22 प्रत्याशियों ने 30 नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी की भारती पारथी मैदान में है। कांग्रेस के सम्राट सारस्वत उम्मीदवार हैं। बालाघाट लोकसभा सीट से 19 अभ्यर्थियों ने 27 फॉर्म दाखिल किए हैं। मंडला लोकसभा से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर टिकट दिया है। यहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। मंडला में लोकसभा निर्वाचन के लिए 16 उम्मीदवारों ने 18 फॉर्म भरे हैं। शहडोल लोकसभा सीट से बीजेपी ने हिमाद्री सिंह, कांग्रेस ने फुंदेलाल मार्को और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अनिल सिंह धुर्वे को प्रत्याशी बनाया है। शहडोल में 10 प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के लिए 14 फॉर्म भरे हैं। पहले चरण की इन 6 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर सबसे खास बात है कि जबलपुर को छोड़कर शेष 5 सीट सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। जो 6 सीटों की बात है, यह मुकाबला थोड़ा सा रोचक है। भाजपा के लिए कुछ चुनौती भी दिख रही है, हालांकि ये वही सीटें हैं जो भाजपा ने बीते चुनाव में जीती थी, लेकिन जैसा कि होता है कि इनमें से कुछ हिस्से जो हैं वो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं और यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की बहुलता है वहाँ पर, और इसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वहाँ अपने प्रत्याशी उतारे, जो कि निश्चित रूप से भाजपा के लिए कठिनाई वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का तो खास तौर से जो महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दखल रहा है, इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर बीजेपी इन चुनौतियों का किस तरीके से सामना करती है और कैसे वो अपने वोट कटने से रोकने की कोशिश कर सकती। अब जहाँ तक हम प्रत्याशियों की बात करें तो हिमाद्री सिंह का मुकाबला थोड़ा कठिन जान पड़ रहा है, लेकिन सीधी में कमलेश्वर पटेल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी का विंध्य की राजनीति में अच्छा असर रहा है, इंद्रजीत पटेल साहब का। अब एक और अगर हम प्रत्याशी की बात करते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनके लिए आपको पता ही है कि विधानसभा के चुनाव में उनको टिकट दिया गया था लेकिन वो हार गए थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कुलस्ते पर भरोसा जताते हुए उनको लोकसभा का टिकट एक बार फिर से दिया है। तभी जहाँ भाजपा के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न एक एक सीट का है ही है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाली बात अब ये हो गई है कि उन्हें यह साबित करके दिखाना होगा कि विधानसभा चुनाव में एक सीट पर हार के बावजूद उस लोकसभा क्षेत्र में उनका पुराना असर आज भी कायम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 6 सीटों के चुनाव में जो 36 का आंकड़ा बनता बिगड़ता दिख रहा है, उसका आने वाले समय में क्या नतीजा होगा तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल ये 6 सीटों का मतदान का प्रतिशत इस बात को तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी की अधिक से अधिक मतदाता को बूथ पर लाने की कोशिशों ने कोई रंग लाना शुरू किया है या नहीं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की इन 6 सीटों पर साल 2019 में
छिंदवाड़ा को छोड़कर सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 5 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीट पर चेहरा बदल दिया है। वहीं छिंदवाड़ा में अब विवेक बंटी साहू नकुलनाथ के सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के इन 6 सीटों पर चुनाव जीतने के अपने अपने दावे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव के रण में उतरी है। स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार से कोई चुनौती हमारे पार्टी के सामने नहीं है। पार्टी ने अपने स्तर पर चाहे केंद्र और प्रदेश की सरकारों के विकास के कार्य हों, उनको जनता तक पहुंचाया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और संगठन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण है मजबूती। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही स्तंभों के आधार पर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। विंध्य का अंचल और महाकौशल के अंचल में प्राथमिक स्तर पर मतदान है और दोनों ही क्षेत्रों की कुछ सीटें जहाँ मतदान है वहाँ पर आदिवासी वर्ग भी है, जनजाति समाज के साथ ही साथ जो दलित वर्ग है उसकी भी आबादी अच्छी खासी है। और हम देखेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वर्ग का जो विश्वास है वह लगातार जुड़ता चला गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किया है उसके परिणाम स्वरूप हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। पहले चरण की 6 सीटें न सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी स्थापित करेंगे। देखिए, चुनौती कैसी है, आप 6 की 6 सीटें देख लीजिए तो 4 पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। एक जो उम्मीदवार इनके रिपीट हुए फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको विधानसभा चुनाव में जनता हार का मजा चुका चुकी है। इन 6 की 6 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी का वोट जो परसेंटेज है वो विधानसभा चुनाव में बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जो जीत की मार्जिन है वो कम हुई है, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से न केवल जनता पीड़ित बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी को भी अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वादे किए गए थे उन वादों को पहुंचाने में जनता तक इनके नेता असक्षम रहे, तो इसका बदला जो है मध्य प्रदेश की जनता लेने वाली है और इन 6 सीटों पर पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम मध्य प्रदेश की जनता करने वाली है। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए जिन 6 सीटों पर मतदान होना है उनके लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। 30 मार्च को ये साफ हो पाएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन ये 6 सीट जिसमें से 5 सीटें मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगी है जहाँ आदिवासी बेल्ट है, इसमें खास तौर पर बीजेपी के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने वादे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की जनता 2024 के लिए जनादेश किसे देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल, DD News भोपाल।